हेलो डियर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना सिखाएंगे। जैसे कि पहले भी प्रथम वीडियो में बताया गया है कि हर सारणी में कुल दीर्घाकार सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 होती है। सभी 118 के 118 तत्वों में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। वह किस किस प्रकार एक तत्व के अंदर उपस्थित होते हैं, यह इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश व इन्हें किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, वह भी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। जैसे कि ईट पर नाच एक ट्रिक है, इसमें हम आपको इस ईट पर नाच इस कोड की सहायता से आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को याद कराएंगे। जैसे कि ईट पर नाच एक कोड लिखा हुआ है, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से टॉमसन बना है, पी से प्रोटॉन तथा रे से रदरफोर्ड है, ना से न्यूट्रॉन तथा चे से चैडविक है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता टॉमसन, प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड तथा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक है। इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हीलियम हीलियम तत्व को दर्शाया गया है। हीलियम के नीचे की ओर रखे गए दो नंबर टू संख्या को परमाणु क्रमांक तथा इसके ऊपर रखे गए संख्या चार को परमाणु भार कहते हैं। हर एक तत्व 118 के 118 तत्व, जैसे कि पहले भी बताया गया है, 118 के 118 तत्व तीन प्रकार के अस्थायी कणों पी ई एन, आप जैसे कि हम पेन से लिखते हैं इस प्रकार याद रख सकते हैं। पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन तथा एन से न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कि प्रोटॉन को हम वन एच वन से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉन को माइनस ई वन जीरो से तथा न्यूट्रॉन को जीरो एन वन से प्रदर्शित करते हैं। इन प्रोटॉन से पॉजिटिव प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है। पी से पॉजिटिव और पी से प्रोटॉन याद रख सकते हैं, इस पर प्लस धनात्मक चार्ज होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के विपरीत −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम आवेश होता है। न्यूट्रॉन एन फॉर नथिंग याद कर सकते हैं, नथिंग कुछ नहीं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात यह विद्युत उदासीन होता है। 118 तत्व में एक ऐसा तत्व हाइड्रोजन होता है। 118 के 118 तत्व में एक हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व होता है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, क्योंकि हम किसी तत्व में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। निम्न सूत्र की सहायता से हम उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसी के आधार पर प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर ही प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तथा न्यूट्रॉनों की संख्या जैसे कि 2He4 को ऊपर दिखाया गया है, 2He4 में परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को हम घटाकर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। इस सूत्र की सहायता से हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन तीनों अस्थायी कणों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं परमाणु क्रमांक के बराबर। जैसे कि हीलियम में, हीलियम के लिए परमाणु क्रमांक 2, प्रोटॉनों की संख्या भी इसमें 2 होगी तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें 2 होगी, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक भी 2 है, इसलिए इसमें प्रोटॉनों की सूत्र के अनुसार प्रोटॉन की संख्या भी 2 होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 ही होगी। इसी प्रकार इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि हीलियम का परमाणु भार 4 है और परमाणु क्रमांक 2 है, इसलिए इसमें से 4 − 2 कर इसके न्यूट्रॉनों की संख्या तो हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या भी 2 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 है तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 है। इसी प्रकार हाइड्रोजन में हाइड्रोजन 1H1 परमाणु क्रमांक भी 1 है तथा परमाणु भार भी 1 है। में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। जैसे कि सूत्र है, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार इसका परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसलिए इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 1 होगी। परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक अर्थात 1 − 1 = 0। जैसे कि पहले भी बताया गया है कि हाइड्रोजन में
न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य होती है, अर्थात हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते। इसी प्रकार सोडियम गैस रहते इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या आप कमेंट्स करके हमें बताएंगे। हाँ, किस प्रकार एक तत्व के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन सिचुएटेड होते हैं तथा कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं, उसको एक चित्र की सहायता से यहाँ प्रदर्शित करा गया है। जैसे कि इसमें एक धनात्मक भाग है, इस धनात्मक भाग में ये धनात्मक भाग होता है, इसके बाहर कोष होती है, कोष को कोष या कक्षा कुछ भी कह सकते हैं, दोनों नामों से कोष भी कह सकते हैं, कक्षा भी कह सकते हैं, जिनमें कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कोषों को हम के एल एम एन ओ पी क्यों से प्रदर्शित करते हैं, पहली कोष को ए वन से, टू से, थ्री से, फोर से, फाइव से, सिक्स एम सेवन से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जो नाभिक धनात्मक पार्ट है इसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होने के कारण, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होने के कारण तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश न होने के कारण नाभिक पर भी धनावेश होता है। इसी प्रकार इन कोषों में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँच, सिक्स, सेवन सभी कोषों में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो होती है 2n² नियम के अनुसार। यह नियम होता है 2n² नियम के अनुसार जो है इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, जहाँ एन कोषों की संख्या है, कोषों या कक्षा की संख्या है। इस प्रकार जैसे कि पहली कोष के यहाँ पर है, के यह रही यहाँ पर, यह पहली कोष होगी, एल दूसरी कोष होगी, एम तीसरी कोष होगी, एन चौथी कोष होगी, क्यों पांचवी कोष होगी, पी छठी कोष होगी, क्यों सातवीं कोष होगी। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2n² का नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। पहली कोष के कोष होगी, पहली कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियम होता है 2n² नियम, अर्थात एन की जगह हम पहली कोष के लिए एक का स्क्वायर करेंगे, इसलिए 2 × 1 × 1 = 2। इनमें इलेक्ट्रॉन की पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी, जैसे कि प्रदर्शित किया गया है। ये 2 इलेक्ट्रॉन होगी पहले कोष में। इसी प्रकार दूसरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दूसरी हो जाएगी एल, दूसरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 की पावर कर देगी, 2 का स्क्वायर कर देगी, क्योंकि दूसरे के लिए निकालते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 × 2 = 2 × 3 = 8। दूसरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी। इसी प्रकार तीसरी कोष में, तीसरी यानी एम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 3² = 2 × 3² = 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार फोर्थ, चौथी, पांचवी, छठी एवं सातवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस प्रकार 98 हो जाएगी, जो कि इस प्रकार है। ये सभी इलेक्ट्रॉन पहली कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी, दूसरी कोर्स में 8 होगी, तीसरी कोर्स में 18 होगी, चौथी कोर्स में 32 होगी, फिफ्थ कोर्स में 50 होगी एंड सिक्स कोर्स में 72 होगी एंड सातवीं कोर्स में 98 इलेक्ट्रॉन होगी। इस प्रकार कोर्स में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन तीनों ही नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण तथा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश न होने के कारण नाभिक पर भी प्लस चार्ज होता है तथा इन कोर्स में इलेक्ट्रॉन चक्रण करते रहते हैं, जो कि कक्षा में दिखाए गए हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। इस प्रकार हम आगे की वीडियो में बोर बरी नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उनकी सहायता से हम धातु, अधातु व उपधातु को ज्ञात करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।